और दिल्ली में पिछले 30 घंटे से बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जलभराव के साथ जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से स्कूली बच्चों टीचर्स के साथ सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता राहुल डबास। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश चल रही है। इस वक्त में करोल बाग राजेंद्र प्लेस के इलाके में मौजूद हुई है, वही इलाका है जहां बीते दिनों आईएएस एकेडमी में बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। सुबह का समय है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे स्प्रिंगडेल, बार भारती, रामजस जैसे बड़े स्कूल हैं और आप देखिए किस तरीके से गोल चक्कर का लगभग आधा हिस्सा डूबा हुआ है और जल भराव का यही स्थिति है जो हमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। रात भर रुक रुक के बारिश हुई और लगभग 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तेज बारिश भी देखने को मिली थी और यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव नजर आ रहा है, खास तौर पे तब जब बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस टाइम होता है और ऐसा हो रही है वाटर लॉगिंग की वजह से पैदल आ रहा है बहुत ज्यादा। बारिश की वजह से बच्चे भी लेट आते हैं, टीचर्स भी? ऑफ कोर्स वी आर जनरली लेट, अगस्त एंड सितंबर वी आर लेट। तो बच्चों की अटेंडेंस भी कम हो रही है? यस अटेंडेंस भी कम हो रही है और देखिए कि किस तरीके से वाटर लेवल, देखिए कि जहां तक फुटपाथ है वहां तक पानी आ गया है। थोड़ी देर पहले पानी और भी आगे आ रहा था। तो ये स्थिति है राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों की। तो स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों को अच्छी खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, बैग गंदा हो जाता है, तैयार होकर आते हैं सब लोग, भीग जाते हैं तो ठंड लगती है क्लास में। स्कूल भी लेट पहुँचते? हाँ, स्कूल भी लेट पहुँचते हैं। जैसे जैसे ऑफिस के पी कार्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। राहत की बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम है और तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी मौसम तो सुहावना है, लेकिन दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से जरूर दो चार होना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो पंप है वो पंप लगाए गए हैं ताकि जल भराव को कम से कम किया जा सके। तो पिछली बार से सीख ली है, खासतौर पे जो करोल बाग का जोनल इलाका है, राजेंद्र प्लेस का इलाका है, वहाँ पर एमसीडी की तरफ से पंप लगाए गए हैं। लेकिन ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह का समय है, तब यहाँ पर जल भराव है और जैसे जैसे ऑफिस के पी कार्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जल भराव की वजह से दिल्ली एनसीआर वासियों को ट्रैफिक जाम से भी दो चार होना पड़ेगा। सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जहां पर लोगों को गर्मी की मार से फिलहाल राहत मिल गई है, वहीं कहीं जगह जलभराव की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता अमित चौधरी। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और नोएडा की अगर बात की जाए तो यहां पर तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में अभी भी पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर होने वाली बारिश के बाद एक दो जगह से इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं, कई छत गिरनी, दीवारों से पलस्तर टूटकर गिरने जैसी भी चीजें सामने आई हैं और कई जगह पेड़ गिरने की भी जो सूचनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कहना है कि बरसात को देखते हुए हर ऐसी जगह जहां पर जाम लग सकता है वहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। बारिश तेज ना होने के चलते अभी जलभराव जैसी समस्या नहीं है, लेकिन गर्मी की तपिश और उमस से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। अभी आने वाले एक दो दिन तक इसी तरीके के हालात बने रहने का मौसम विभाग अनुमान जाहिर कर रहा है, तो इसी तरीके के हालात एक दो दिन रहेंगे। सड़कों के आसपास की अगर बात की जाए तो वहां पर जलभराव की स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि तमाम जो क्यूआरटी टीम बनाई गई थी जलभराव ना हो उसको लेकर वो लगातार काम कर रही है और जहां जहां जलभराव की स्थिति बन रही है वहां से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच गाजियाबाद में भी बारिश का दौर जारी है। बीते 2 दिन से जारी बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता हिमांशु। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है।
रुक रुक कर पड़ रही इस बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस वक्त हम गाजियाबाद के लाल कुआ पर मौजूद हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं बीजे से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं जलभराव की, सड़क पर किस कदर पानी इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बारिश कभी रुक जाती है तो कभी तेज पड़ने लगती है। और अभी आप देख सकते हैं बारिश एक बार फिर से तेजी के साथ पड़ना शुरू हो गई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है जलभराव, क्योंकि आगे जो आप देख रहे हैं NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो हाईवे जा रहा है, उसके नीचे पानी भरा हुआ है और पानी के भरने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है NH91 पर। मैं दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ की। यहां पर भी आप देखेंगे तो NH से नीचे उतरने वाली जो सड़क है उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव यहाँ पर हुआ है। हालांकि नगर निगम का जो पानी निकालने के लिए यहाँ पर टैंकर है वो मौजूद है और जो लोग हैं वो छाता लेकर बाहर निकल रहे हैं ताकि बारिश से बच सकें। अलर्ट गाजियाबाद के अंदर भी है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की परमहंस कॉलोनी के अंदर एक मकान गिरने की भी सूचना है, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई है। इसी वजह से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। जो भी कच्चे मकान हैं वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहकर रहें, क्योंकि इस बारिश के अंदर ज़्यादातर मकान गिरते हैं जो जर्जर हालत में होते हैं। तो ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं NDRF की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है, अगर कहीं पर भी कोई हादसा हो तो उसके लिए NDRF की टीम अलर्ट रहे स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं चारों तरफ जल भराव की स्थिति है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं क्योंकि हर जगह जल भराव है और इस बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। एक बार फिर चारों तरफ की तस्वीरें भी जैसे कहूंगा आपको दिखा दें कि बारिश की वजह से किस तरह से जो सड़कें हैं फिलहाल आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्लो है और बारिश एक बार फिर तेजी से पड़ने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़।